And now we're inside. So first time sitting in the Cybertruck. Smells like Bata ka store. 2, 3, go. Oh! It looks like something from a movie. Yes. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने सैरी में इतना अच्छा खाना खाया ना, इतना फिट किस्म का खाना खाया, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे फतवे खाने को मिले मुझे, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो से कि मजा आ गया। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे रोजा लगने वाला है। कल की वीडियो में मैंने गलती से कह दिया कि बॉयज एंड गर्ल्स 2-3 घंटे की नींद मेरी पूरी हुई है, 4 से 5 घंटे ड्राइव करनी है, ठीक है, मेरी बीवी साथ में बैठी होती है और ड्राइविंग हैजर्ड हो जाता है अक्सर, आप जितने मर्जी माचो अगर आपके पास अंदर सस्टेनेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा और मैं आगे कॉम्पेंसेट कर लूंगा रमजान के बाद। फिर भी मुझे इतने फतवे पड़े, नहीं भाई रोजा रखना होता है। एक बच्चा कहता है वीक मेंटेलिटी मम्मी डैडी, अच्छा जी वीक मेंटेलिटी मम्मी डैडी मेरी, जो रोज जिम भी जा रहा है, रोजा रख के 9 to 5 भी कर रहा है, डेली ब्लॉग भी लगा रहा है, मॉनिटर लेके घूम रहा है, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी इसकी जो 2 घंटे पहले उठता है अफतारी से, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो उस दुनिया के साथ मिलते फतवे ही है वापस, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छा काम करने से नहीं रुकेंगे। इतना प्यार से तुम लोगों को सारी चीजें दिखाता हूँ, इतने लाइफ लेसन्स देता हूँ, फिर फतवे यार। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, बड़ा मजे का सीन है आज का कि भाई फाइनली मूसा भाई को टेस्ला साइबर ट्रक रिव्यू करने को मिल रही है। जो लोग मुझे डेली व्लॉग काफी देर से देख रहे ना, उन्होंने मेरी ये एप्पल विजन प्रो वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मुझे टेस्ला साइबर ट्रक नजर आया था और ये कुछ हुआ था मेरे साथ। The hell boys and girls, सामने देखो क्या है मेरे, मैंने निकालो दुकान से तो टेस्ला की साइबर ट्रक खड़ी है। मैं पूछता हूँ यार, मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ कि नहीं, मैंने अंदर जाके चेक करनी है। तो बॉयज एंड गर्ल्स बेइज्जती होगी भाई की, वो कह रहे थे कि अभी हम आपको नहीं देखने दे सकते। तो लास्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी क्योंकि चवल शोरूम वालों ने देखने नहीं दी थी। देन मुझे ये यूट्यूबर्स हैं यहीं पे रहते हैं ह्यूस्टन में, इन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें बड़ा दुख हुआ देख के आपको टेस्ला साइबर ट्रक मतलब रिव्यू करने को नहीं मिली, तो हम पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने रखी हुई यहाँ पे, तो आप हमारे पास ह्यूस्टन में आओ, हमारे साथ कोलैबोरेशन करो, आप हमारी टेस्ला साइबर ट्रक को रिव्यू करना। आई हैड द अपॉर्चुनिटी, आई वाज लाइक हाउ कैन आई पास दैट। अब मैं उनकी तरफ ही जा रहा हूँ, तो जाके मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। आज इंशाल्लाह फुल एक्सटेंसिव रिव्यू आपको साइबर ट्रक का देंगे और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, मजा आएगा, और हम सड़क पे लेके घूमेंगे भी, इसको चलाएंगे भी थोड़ा सा। आई विल सी यू देयर लेटर। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हम पहुंच गए हैं जिन बॉयज के मैंने बारे में बात की थी, माई गैजेट्स वर्ल्ड का चैनल। हियर वी आर मिस्टर खोरम, नाइस टू मीट यू, एंड दिस इज मिस्टर खालिद, and this is Mr. सामने यार बड़ा मुझे हंसी आई यहाँ से, इंटरव्यू में सामने नजर आई थी, मैं यार कितनी अजीब लगती है देखने में। साइबर ट्रक को रिव्यू करने से पहले आप लोगों का स्टूडियो रिव्यू कर लेते हैं अगर आपको दिल है। मैंने कहा इनका स्टूडियो मैंने देखना क्योंकि आपको दूसरे यूट्यूबर से इंस्पिरेशन मिलती है, and I wanted to see how they operate. So boys, फिर आ जाओ जरा। लिविंग स्पेस, यहाँ पे आप खड़े होके वीडियो करते हो अपनी, और ये आपके पास लाइटिंग सेटअप है वाला प्रॉपर, तो उससे हाँ तो उससे बड़ा एक वो सॉफ्ट लाइट आती है चेहरे पर, पीछे बैकग्राउंड बड़ा प्यारा लगता है। मैं यार बड़ी कोशिश करता हूँ, कभी इधर बैठ के वीडियो बनाऊ, कभी इधर बैठ के वीडियो बनाऊ, मुझे लाइटिंग की अभी तक इतनी समझ वमझ नहीं है। ये तो खैर बहुत एक्सपेंसिव लाइट लग रही है, मैं तो अमेजोन से सस्ती सी पकड़ी थी, $70 की 2 में लगी थी मुझे। कितनी लाइट चाहिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते नहीं है, ये हम लोग का दोनों का, खालिद भाई अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। अच्छा, ये स्टूडियो है, ये हमारा स्टूडियो का सेटअप है, इसको हमने रखा हुआ है कि यहाँ पे एक सेटअप ऐसा बनाया ताकि अगर हम टीवी रिव्यू करें तो लोगों को पता लगे कि टीवी कैसा लगेगा लिविंग रूम में। अब हम किसी भी एक डब्बे के अंदर रिव्यू करके रखते हैं तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि लिविंग रूम में किस तरह का लगेगा। यार मैं जेलस हो रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं ये मेरा स्टूडियो देख रोना आ जाएगा तुम लोग। बॉयज एंड गर्ल्स का थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, जब हम बाहर से अंदर आए ना, बाहर थोड़ा एको ज्यादा हो रहा होगा, ये पूरा ट्रीटेड, ये एकॉस्टिकली ट्रीटेड रूम है। हमारा प्लान है आगे सिंगर्स वगैरह जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो और वो आए यहाँ पे आके अपना वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड करें, बिकॉज़ इट्स एक्चुअली ट्रीटेड एंड रेडी टू गो कि कोई भी सिंगर आए और अपना गाना रिकॉर्ड आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ मैं भाई मैं मुझे कहते हैं लोग गाना चाहिए, मैं बस आ रहा हूँ अगली दफा ना यहाँ पे अपने हॉट एल्बम गिराता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, शाउट आउट टू शायान, ही हेल्प्ड अस टू डू दिस। यहाँ अगर आप क्लैप करें ना, हाँ स्लैप बैक नहीं आता। आप जरा करो जरा,
शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे घर में तस्वीरें, क्यूट क्यूट चीजें इधर उधर पड़ी होती है. अब स्टूडियो नहीं है मेरे पास. इट्स नॉट लाइक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता साइड पे स्टूडियो, बट आई थिंक दैट अगर आप साइड वाली चीजों पे इन पे लग जाते हो ना, तो आपका कॉन्टेंट से ध्यान हट जाता है. पहले कॉन्टेंट पे फोकस करता रहे, ये चीजें बाद में आती रहती है. अच्छा, वो कर्टन्स का भी कहते हैं. मैं करूंगा इस तरह ना कुछ. मैं तो शर्म आ रही है मेरे तो स्टूडियो देख के. मोटरोला था, वो मोटरोला G5 गंदा सा फोन नहीं होता जिसका कैमरा रिकॉर्ड करते करते रुक जाता था, गर्म हो जाते थे. ह्यूस्टन और डैलस की गर्मी के अंदर जो है ना, नहीं होता रिकॉर्ड कर रहे हो, फोन खुद बोलेगा कि भाई बस कर दो. यहाँ तो अभी तो बड़ा दिलकश मौसम है, लेकिन अभी पड़ेगी. वीडियो फ्रेंडली मौसम है आज. हाँ, लाइटिंग भी अच्छी है, सॉफ्ट लाइट है, अभी हवा नहीं है अभी ज्यादा, तो लाइक वो आवाज भी बड़ी अच्छी आ रही है, तो परफेक्ट है. बट बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ फॉर द मेन इवेंट, और टेस्ला साइबर ट्रक. पहली बात तो ये देखो, यहाँ से मैं अपना हाथ रखूंगा, देखो कितनी लंबी गाड़ी है. ये खत्म ही नहीं हो रही बॉयज एंड गर्ल्स. अच्छा, मैंने उस वक्त को हाथ भी नहीं लगाया था ऑनेस्टली. वो जो मैं था ना उस वाली जगह पे, वो कह रहे थे कि यार कितने नहीं, अभी आप रिव्यू नहीं कर सकते, ये नहीं है, फलाना नहीं है. कैसे नहीं देगी तो हाथ लगाने का ये चक्कर है कि आपने देखे हाथ लगाया और ये फिंगरप्रिंट्स पड़ गए. आई थिंक दैट गोस विद एनी कार, बट इट डजंट गो अवे. यू वॉश इट 3 times, इट वोंट गो अवे. अच्छा, मतलब बस इसको कार वॉश कराया अभी तक. अच्छा, वही करने निकलते हैं. हां, अभी सबसे पहले वही करते हैं. चलो कार वॉश कराते हैं. ये जो मडी वगैरह जो हमारे ऑटोमेटिक कार वॉश होते हैं, लेट्स टेक इट. हां, लेट्स टेक इट देयर, शुगर लगाते हैं. अच्छा, ये तो आपका साइबर ट्रक फाउंडेशन सीरीज. हां जी, तो इसमें आप ये देखेंगे लेजर एश जो है ना, लेजर से इन्होंने फाउंडेशन सीरीज लिखा है. दैट विल बी द ओनली फर्स्ट फ्यू वंस. ओह रियली? एंड देन देयर गोना, दिस इज लाइक अ लिमिटेड एडिशन थिंग. अच्छा, Not everybody will get the foundation series. जिनको शुरू के 500 या 1000 एक specific number है, उसके बाद कभी foundation series नहीं आएगा. ये तो गाड़ी वैसी नहीं नजर आती. और अभी मुझे लगता है अगर हम चला के जाएंगे तो looks तो मिलेंगे लोगों से. हर दफा celebrity feel करेंगे. अच्छा, और this one of those के proud to say के it's the first Pakistani truck. जब भी आप बाहर निकले आपको लोग देख रहे होते हैं, कहते हैं अंदर कौन बैठा हुआ है. तो कभी कभी थोड़ा फील होता है, यू नो, लोग कहते हैं काम करा पाकिस्तान का झंडा लगा लो. पर यार 14 अगस्त पे ही करना है, रैप कर लेंगे. और उस सितारे की जगह इलॉन मस्क की शक्ल लगा लो बंदा. बाय द वे, वन थिंग आई Noticed about it is, कहते हैं बुलेट प्रूफ है. वाकई यार, शिट, मेरे भी हाथ माने हाथ दर्द करने लग गया. तो मैं एक वीडियो देख रहा था, बंदे ने गिटार भी रख के मारा था, उस पर कुछ नहीं हुआ था, कोई चीज उठा के मारी थी कुछ नहीं हुआ था. एंड मजे की बात है, एक कॉइन से भी पतला है. हाउ इज दिस बुलेट प्रूफ मैन? लाइक देयर इज अ गाय ऑन YouTube, जेरी लाइक एवरीथिंग. उस बंदे ने जो है 9mm बुलेट जो पिस्टल में होती है, वो The Cybertruck is bulletproof to a 9mm for sure. वहां से लेकर जो 50 cal बुलेट होती है, जो स्नाइपर बुलेट होती है, स्नाइपर बुलेट थी जो गो थ्रू हुई थी, क्योंकि सपोज वो तो हार देती है ना. Look at that, it like start open. मैंने कर लिया तो मुझे करने की जरूरत नहीं है. ट्रक क्यों? हां, ट्रक क्यों बना रहे हो? लोगों ने लाते भी मार लिए, हैमरिंग भी कर ली, सब कर लिया, तो नाउ वी आर सैटिस्फाइड. अब आप उनकी साइबर ट्रक देख लो जाके. चलो, ये वीडियो अगर 1 मिलियन व्यूज पे गई तो हम एक बुलेट मार लेंगे. एक बुलेट मार, 9mm एक पक्की है, कहीं मार लेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे. वैसे ज्यादातर अगर आपके कोई खतरा होता है बुलेट शुलेट का, तो लोग 9mm ही चलाते हैं आपके ऊपर. ये हम ट्रंक खोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं आगे वाला. पहले मैं आप अगर फ्रंट से देखेंगे ना, तो एक चीज आपको याद है, ये फोन से खोल रही है. मार्वल मूवी के फैन है. हाँ जी, डोंट कॉल मी साइबर ट्रक गाय, बट पहली जब मैं पिक्चर खोलूंगा तो मेरी दूसरी गाड़ी आती है, फिर एक ये आती है. इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि अगले कॉन्टेंट के लिए आपके लिए रखा है हमने. लेकिन ये साइबर ट्रक का सीन है. तो आप कंट्रोल में जाएंगे और ओपन का बटन दबाएंगे और ये आयरन मैन की तरह हेलमेट खुलेगा. ओए होए होए होए, तो यहाँ पे बॉडी शॉडी आराम से. कराची में ये ट्रक बेस्ट है, आप रख के चलो आराम से. ओ, खुलेगा भी नहीं जब तक फोन कोई आपका फोन नहीं चुराता. हाँ, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा ना, तो अब उनको फोन चुराना पड़ेगा आपका. एक और एक्सेस ये कि दो तरह से अनलॉक होता है, एक तो ये ऐप हो गई, ये एक आदत की है इसकी, पिलर पे आप टैप करेंगे और ऑन हो जाएगी. यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पहली बार पड़ती है, फिर आप फोन से कनेक्ट जैसे आपके पास पहली बार आपने अगर लिया है, तो आप यहाँ पे इसको करेंगे, देखिए मिरर खुल गए, ये बटन दबाएंगे और ये ओपन. खुलने की आवाज है तो मशीन की तरह उसकी तरह का लगेगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवीज वाला कन्वर्ट हो रहा होता है कार टू ट्रांसफॉर्मर. वो तो अंदर बैठ के मैंने देखना, थोड़ा और बाहर का करते हैं. तो इसको बंद करने के लिए भी बटन दोबारा इसको पुश करना है.
in it. Okay, nice. And अगर आपने कोई 300 पाउंड का बंदा पीछे रखना है बॉयज एंड गर्ल्स तो उसके लिए भी हमारे पास ज्यादा जगह है. 300 से 400 पाउंड वाला बंदा इसमें आ सकता है आराम से. पहले ये ड्रॉप होता है. ओके. के अदद कवर है जो के Nice. ऐसे दिन आते हैं कि हमें कुछ करना पड़े बिजनेस वगैरह. हाँ. तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक मिल्क शेक की दुकान लगा सकते हैं आराम से. हाँ. है, यार मतलब ये जो रमजान के जो सऊर फेस्टिवल वगैरह हो रहे हैं आपने चाय शाय का अपना वो मतलब स्टॉल खोलना है तो आपको जरूरत तो है नहीं. अपने साइबर ट्रक लगा के खड़ी कर लो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ. इससे अच्छे खासे आउटलेट है इसमें. तीन आउटलेट है, दो 120 के और ये है 240 जो पाकिस्तान में करंट नहीं मिलता. 220 से 240 हैवी अप्लायंसेस के लिए. अपना डीजे इक्विपमेंट भी अटैच कर सकते हैं. हम तो साउंड वाले हमेशा, वो साउंड की तरफ चले जाते हैं. मैं कह रहा हूँ किसी दिन यार मिल्कशेक का ठेला जो होता है एक करते हैं, कहते हैं साइबर ट्रक पे मिल्कशेक का ठेला लगा. मिल्कशेक और बना बना के पिलाते हैं लोगों को. थोड़ा इसको अगर खोले ना तो टेस्ला का चार्जर है, लेकिन ये जो है आइस कूलर है तो आप इसके अंदर आइस डाल के मछलियां वगैरह पकड़े और सप्लाई करें मार्केट. यार ऐसा यहाँ पे तकरीबन मतलब अगर आपने टेस्ला साइबर ट्रक लिया आप गरीब नहीं सो सकते. नहीं भाई आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तिजारत कर लेंगे. और मैंने एक और चीज नोटिस किया, बॉटल ओपनर है साइड में. बिल्कुल आपको कोई 7-Up वगैरह खोल, 7-Up वगैरह खोलनी और खोलनी है तो आप खोल सकते. तो पहली एक तो चीज है इसमें हेडलाइट समझ ही नहीं आई थी कि पहले दिन है कहाँ पे. ये हेडलाइट नहीं है, डे टाइम रनिंग लाइट, डे लाइट रनिंग या फॉग लाइट वगैरह की तरह से भी यूज हो सकती है. बट हेडलाइट ये नीचे हेडलाइट है जो आपको नजर ही नहीं आ रही. इसका तो टायर मुझे लगता है कि फट ही नहीं सकता. इसको बोलते हैं ऑल टेरेन टायर. या ऑल टेरेन है, किसी भी टेरेन पे चढ़ सकता है. तो ये ऑल टेरेन टायर है, 35 इंच इसका टोटल साइज है. इसका ये हुआ डिजाइन फ्लॉ है एक्चुअली टेस्ला की तरफ से कि यहाँ पे अगर वो कवर लगा होता है और आप कहीं अगर हिट करते हो तो वो कवर यहाँ पोक कर सकता है टायर. और डिजाइन फॉल्ट है जो लोग कह रहे थे कि अगर जिस तरह ये खुद बंद होती है ना इस तरह करके तो अगर आपकी उंगली यहाँ पे आ जाए कुछ हो जाए तो आप गए, आप यू विल लूज अ फिंगर. कौन भाई उंगली ला रहा है यहाँ पे. मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. यहाँ पे बॉटल रखी थी, इसको शो की थी पूरी पूरी. लेकिन अगर आप इसको बंद कर रहे हैं यहाँ पे एक जैसे बटन है, अच्छा अगर यहाँ तक है तो ये कर लेगा डिटेक्ट कि आपका हाथ है ऊपर लेगा. अच्छा आप कोने खांचों में आप उंगलियां मत डालें ना इस तरह से कि आप. लेकिन वो तो ना बच्चे होते हैं, छोटा बच्चे है यहाँ पे हाथ रख ले बना ला के बस फिर हैंडलेस हो जाएगा, फिंगरलेस हो जाएगा. भाई ये ओके, ये ध्यान से भाई, ये कोई अगर टेस्ला साइबर ट्रक पे है ना किसी दिन खोला है. और भाई सुनाओ सीधे क्या हाल है, यहाँ पे रख ले तो बस हाथ सीधा तो गया. लेट्स गो इनसाइड. चलो जी ये बॉयज एंड गर्ल्स हमने दबाया, ये हमने खोला एंड नाउ वी आर इनसाइड. सो फर्स्ट टाइम सिटिंग इन द साइबर ट्रक. स्मेल्स लाइक बाटा का स्टोर. अच्छा, नहीं जूतों भी ऐसे स्मेल. नहीं जूतों वाली की स्मेल आ रही है ना साइबर ट्रक. और यहाँ से भी ऑब्वियसली आप ऑपरेट कर सकते हैं जो चीज आपने खोलनी है, राइट, क्योंकि ओपन ओपन की ऑप्शन है. वे टू मच लेग स्पेस, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है आपके पास. हाँ एक बोना तो यहाँ पे भी आ सकता है. और चार बॉडी पीछे बेड में भी आ सकते हैं, बेड में खोला था वहां. चलो डन. ओह एंड एन एक्स्ट्रा स्क्रीन बॉयज एंड गर्ल्स. You have all the access here. मजे की बात है, कौन मैंने नोटिस किया ये पीछे वाला. ओए होए 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 यार ये शशके हैं क्योंकि बाहर से नहीं पता चल रहा था. यार बारिश में तो बड़ा मजा आता होगा इसमें. Exactly. बड़ा बड़ा एंजॉय करते हैं. अभी बारिश हो ही नहीं यार, अभी होनी थी. कुछ पता नहीं ह्यूस्टन है या कभी भी कुछ भी हो सकता है. अच्छा ये सारे कंट्रोल यही है, पंखा भी इसी से कंट्रोल हो रहा है. अच्छा एक और मजे की बात है, मैंने सुना है इसमें हर तरह के मोड्स हैं, लाइट एम्बियंस भी चेंज होती है, रोमांटिक मोड भी है इसके अंदर. मोहर लग जाएगी भाई ये तीन लड़कों. नहीं यार बस सोचो कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब. अच्छा लोगों को सोच सोच के जो है ना आप ये अपना मजे पूरे कर रहे हैं. चलें कोई बात नहीं. सही बात है. ओह ओके. और देन यू गो गेट कोजी. अच्छा सर्दी की रातों में थोड़ा ही अच्छा है. अच्छा वो मजे की बात है, हीट ऑन कर दी है इसने, अभी तो हम जल जाएंगे. ये रोमांस जो है ना ये बोलते हैं सर्दियों में करें आप, खाली सर्दियों में करें. तो ये म्यूजिक भी चल रहा है थोड़ा. ओए होए 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 जॉनी सेंस आएगा थोड़ी देर में. वो आई ना जय भाई यू नर्स वाले कॉस्ट्यूम में. चलें अब हम चलें. आपकी सीट बेल्ट. चले जॉनी भाई, जॉनी भाई पीछे आ रहे हैं, जल्दी से चलो यार भाई, जल्दी कर लगा लो. स्वाइप अप करेंगे तो ये ड्राइव होगी. अच्छा स्वाइप अप होगी तो ड्राइव, बैक होगी तो रिवर्स. रिवर्स तो अब ड्राइव के लिए आगे तो हम जा नहीं सकते, राइट. तो इसमें एक फीचर है जो आप जा सकते हैं टेक्निकली, ये तो तोड़ ही देगा, थ्रू इसके चले जाएंगे. लेकिन इसमें एक चीज है कि ऑटो सेंस कर लेता है कि आप के सामने अगर ऑब्जेक्ट है कोई बहुत बड़ा नहीं चलेगी, तो ये क्या करेगा आपको ऑटोमेटिकली रिवर्स में डालेगा जब आप रेडी है जाने के लिए, क्योंकि डिटेक्ट करेगा कि आप आगे तो जा नहीं सकते तो आपको पीछे करता है. लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बात बुरी लगती मुझे, भी बुरी लगती है, मैंने बंद किया हुआ है. अच्छा किया, मैंने आगे जाना है भाई, क्यों
पीछे मैंने मैंने तोड़ना है। अब यू डोंट नीड दिस क्योंकि आप पीछे क्या देखेंगे, अब आगे जा रहे हैं तो पीछे क्या मुड़ के देखना। यार इट फील्स नाइस टू सिट इन दिस कार एंड लाइक गो बाय, आई मीन क्योंकि कहते ना कि एक वो थोड़ी सी खुली खुली फीलिंग आ रही है बिकॉज एवरीवेयर यू हैव मिरर्स एंड लाइक ओपन एयर सा सीन है। वही ना वो सारे मतलब जो गुजर है ना गाड़ी हंसते हंसते देखते हुए जा रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की जो आपने शायद नोटिस की होगी, जो हमारे लोगों की होती है, गोरा होगा ना वो कभी आपको देखेगा बोलेगा हे नाइस ट्रक कूल कार, हमारे लोग होंगे वो शीशा नीचे रहे कितने के लिए, मैं जानता भी नहीं हूँ ना जानना भी अच्छा जानना अभी एक्सपीरियंस। We went there, we parked the car. हमारे अपने वाले आके पूछते हैं कि अपनी है? यार बंदा पूछे कुछ सवाल है। Every single person was like cool car, cool ride, nice car. Oh, you got it, man. बैल लेके आ रहे हो ना लोग? यही मैं कहने लगा था। सुजुकी से चिल्ला चिल्ला के पूछते हो कितने का लिया? वो महंगा ले लिया। लेकिन एक बात है उसका मजा तो आता है। मजा तो अलग है। मजा तो अलग है। लटक के आने का और जो वो जो भाई जूते आते हैं ना घर पे अपने सेडान पर थी, मजा ही अलग है। मजा ही अलग है भाई। जब हम एक दफा जोरी ली थी बकरों की, पुरानी बात है लेकिन सही, तो हट्टे कट्टे डेढ़ डेढ़ मन के बकरे, तो जिधर हम लेके गए पाए ना रुक रुक के मोटरसाइकिल, पाए कितने दिन लगता है पाए कितने दिन लगता है, तो वो एक फील मजे की होती थी। सबको बताते थे अच्छा इतने का लिए है, फिर स्पेक्स पूछते थे बकरे के, दो दांत के तीन दांत के, यू नो कितनी हॉर्स पावर है इसकी, किसी और वीडियो में बात करेंगे, बकरे का रिव्यू करेंगे, बकरा ईद से पहले करेंगे, बकरा ईद से पहले एक टेक रिव्यू बकरे का भी कर लेते हैं। चलो डन। अमेरिका का बकरा देखें, यहाँ का सोफिस्टिकेटेड बकरा कैसा होता है। अच्छा अच्छा आइडिया यार। खाता क्या निकालता क्या मतलब व्हाट्स द डिफरेंस, जो हम बचपन से एक बकरे देखते हुए उसमें और अमेरिका के बकरे में क्या फर्क है। तो अभी बॉयज एंड गर्ल्स हम जा रहे हैं कार वॉश पे सीधा, ठीक है, और आज टेस्ला को कार वॉश कराने जा रहे हैं, और टेस्ला कोई आम नहीं साइबर ट्रक को कराने जा रहे हैं। दीस बोथ आर लाइक वायरलेस चार्जर्स, तो अब हमारे फोन अगर बैटरी कम हुई तो हम इस पे चार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ आपको एक चीज अच्छी लगेगी, हर ना बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जैसे हाई स्कूल के बच्चे हैं और ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा कार वॉश मोड ये रहा, उससे ये चार्जिंग की पोर्ट वगैरह जो है ये इसको कर देगा डिसेबल। फ्रंट पे रहे आपको एक डक नजर आएगी, बिल्ड हो रही है फिर आपकी बता। अगर आप सारे कैमरा निकालें तो अभी ये हमारे साथ हो रहा है। ओ नाइस, मजा आ गया। वो नहीं आया कि ना टेस्ला के वो हाथ निकला है साइड से और खुद ही साफ करना शुरू करते हैं, वो भी कर ही लेगा इलोन मस्क। लेदन खुरम का प्लान है कि इस गाड़ी को उन्होंने वो कराना है, रैप करवाना है, ठीक है। वो पूछ रहे हैं सजेशन कि कौन से कलर में करवाना चाहिए। इनका है कि ये बैट मोबाइल टाइप चाह रहे हैं कि यू नो थोड़ा ब्लैक में स्टक करके रैप करवाएं, तो उस वीडियो को भी हम कवर करेंगे। बाय द वे बारिश होना शुरू हो गई, हमने बात की थी बारिश आज हो जाए तो वाकई आज हम क्या और मांग लेते। अब बारिश हो रही है, यूजुअली गाड़ी में ना दो वाइपर्स होते हैं लेफ्ट और राइट का, इसमें जो है बस आपको ये प्रेस करना है और ये स्विच एक ही ये बड़ा सा लगा हुआ है, कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि क्या स्वॉर्ड लगा दिया। एग्जैक्टली, स्वॉर्ड मैन खड़ा हुआ वहां पर ना, इतनी स्पीड में मारा उसने। गाड़ी अभी हाई रिलैक्स मोड पे चल रही है, उसके लिए हम स्ट्रेस मोड में डालो, थोड़ा चेंज करेंगे। तो अभी मीडियम हाइट पे दी, तो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी हाइट रखनी है। ओह दैट इज नाइस, मतलब पाकिस्तान में चल सकती है क्योंकि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर होता है ना। हाई करके आप निकालें, बड़ी बॉडी टच नहीं होगी। और एंट्री वो है कि जो कुछ लोग होते हैं जिनकी टांगे बड़ी छोटी छोटी सी हैं, तो एंट्री मोड पे आप करें और आराम से बाहर निकल जाए, मतलब बोने चला सकते। अभी सस्पेंशन वगैरह सब रेडी हो चुकी है, इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अपनी तरफ जो है ना कैमरा रखें ताकि वो आपको एक रिएक्शन। चलो जी बॉयज एंड गर्ल्स रिएक्शन आने वाला है। 1 2 3 ओ भाई बॉयज एंड गर्ल्स वी आर 70। वो ये 70 जल्दी गई है, 2-3 सेकंड्स के अंदर ही गई है। सिनेमैटिक्स की बारी आ गई है, तो अब थोड़ा सा सिनेमैटिक्स चेक आउट करें। टेस्ला वाला रुक गया है और वो रुक के अब हमारी टेस्ला को देख रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स सामने जो औरतें बैठी है ना रेस्टोरेंट में, वो जाके वो हमारी टेस्ला की वीडियो बना रही है। चेक बैक डेटा है गाड़ी। ओके I wish I could meet Elon Musk, but no, we got it from Tesla. So they make it and we got it from them. What do you think about it? What does it look like? It looks so cool. It looks like something from a movie. So you're the movie star for the day, you know that? Do you want to see from inside? Yeah. Okay, come from this side. Get in. Now he's been talking about it for a week. It's literally a TV in here. There's a TV there, I guess. You play games on there? You can play games actually, yes. You can connect the controller and play the games. Yes! That'll be awesome. Go ahead. Come say hi. Oh shoot, that's sad. I'll come to you guys. Assalamualaikum. I just watching your vlog right there. Bro. Oh shoot. How are you, man? Doing good. How are you? Good. Yeah, Rabi, I was doing the Cybertruck review actually. Share because we saw
you. Oh. And we were like, oh my God, hey. I was that's like, so this cool. guy, I saw him right there somewhere. I just hey, your musician. I always like to ask like YouTubers and stuff like that. Yeah. Like, what's one thing you did to get you to where you are now? It's 2 hours of sleep and a lot of perseverance. The more positive thoughts you throw out there about yourself, you manifest good things about yourself, right. I think you're going to start getting that in the future. Mm-hmm. And I never thought I'll have a moment like this. Yeah. Like, randomly, yeah. I was looking at your vlogs, literally this, yeah, one, this one, and I knew it, you're going to be probably somewhere. So, Nini, and Muhammad Ali. Muhammad Ali. Melissa. Now, you can zoom in. Oh, okay, let me zoom in. Yeah. Boys and girls, video ko hum yahan pe end karte hain, theek hai? Don't forget to subscribe your boy Musa Khanna and my boys, my gadget world, theek hai? Aur aap mujhe Instagram pe aur unko bhi follow kar sakte hain. Ab yahi utar. Hey, what kind of car is this? It's a spaceship. Yeah, right. I'll see you in the next vlog. I know this was not a typical Ramadan vlog, lekin Ramadan mein hi kiya humne, theek hai?